तो जितने भी मंडल के सदस्य हैं एक एक करके वो आए और श्री भक्तमाल जी को प्रणाम करके अपने स्थान को ग्रहण कर लें। प्रेम परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कथा शुरू कर से पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगी, जो मेरे भाई बहन खड़े हैं वो बैठ जाएं और कथा ध्यान से सुनिएगा। अगर एक भी पंक्ति आप सुनने से चूक गए तो समझ लीजिएगा जैसे आपके माला में से एक पुष्प छूट गया, वो माला अधूरी है। इसलिए
कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करूं कि जो भक्त माल होती है, जब राम कथा होती है तो उसके श्रोता होते हैं हनुमान जी मुख्य श्रोता, और सभी देवी देवता ऋषिगण। जब श्रीमद् भागवत कथा होती है तो उसके श्रोता होते हैं सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनिगण और हमारे आपके पितृ देवता जिनके निमित्त भागवत कथा रखवाई जाती है। लेकिन जब भक्तमाल रखी जाती है, भक्तमाल की कथा सुनाई जाती है, तो उसके मुख्य श्रोता जो है वो स्वयं श्री भगवान होते हैं, है मुख्य श्रोता के रूप में स्वयं भगवान विराजमान हैं। नरसी जी संपूर्ण संसार में प्रत्येक भक्त हुए हैं, जिन्होंने गुजरात की धरती को अपनी भक्ति से भगवान के नाम से पावन कर दिया। उस समय गुजरात के निवासी महास्मार्त लोग थे। महास्मार्त का मतलब होता है मेरे भाई बहन, जो भक्ति में पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, तंत्र मंत्र की विद्या में, तांत्रिकों की विद्या में विश्वास रखते थे, बस सत्य सनातन धर्म लुप्त होने के कगार पर था। गुजरात में लोग तंत्र विद्या को ज़्यादा महत्व देते थे। उस वक्त नरसी जी गुजरात में अवतरित हुए और उन्होंने गुजरात की धरती को भगवान के नाम से पावन कर दिया। ऐसा प्रदेश जिसमें पानी नहीं, फसल अच्छे से नहीं होती थी, किसी तिलकधारी वैष्णव को देख करके लोग निंदा करते थे, ऐसे देश और कुल और वायुमंडल में जन्म लेकर भी नरसी जी वैष्णव शिरोमणि भक्त हुए और ऊसर के समान यानी कि रेगिस्तान के समान उस देश को सुंदर हरा भरा परिपूर्ण सरोवर बना दिया, गुजरात प्रदेश के सभी दोषों को नष्ट कर दिया, अनेक स्थानों पर भक्तिपूर्ण मंदिर बनवाए, रस की रीतियों का संपूर्ण रूप से संगम होता है, ऐसी माधुर्य रसमय भक्ति को आपने अपने कंठ में धारण किया, अपने हृदय में धारण किया। तो भक्तवर श्री नरसिंह जी गुजरात के प्रांत जूनागढ़ में, जूनागढ़ की निवासी थी। एक बार दोनों हाथ उठा करके कहिए जय श्री राम, आप कहिए जय श्री राम, राधे 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 श्याम, जोर से कहिए राधे श्याम, और जोर से कहिए राधे श्याम। ये उस वक्त की कथा सुन रहे हैं आप और हम। 5 वर्ष की आयु में नरसी जी के जो माता पिता थे उनका स्वर्गवास हो गया। नरसी जी 2 भाई थे, इसमें नरसी जी छोटे थे। जब नरसी जी 5 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया, लेकिन उनकी दादी थी, बड़े भाई का विवाह हो चुका था, दादी 5 वर्ष के नरसी जी को अपने सीने से लगा करके रखती थी, अपने हृदय से लगा करके रखती थी कि ये बिना माँ बाप का बच्चा
मैं न रही तो कैसे पलेगा। भैया पीछे कोई भी बात मत करिए, मेरा निवेदन है दरबार के पास जो भी लोग खड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है थोड़ा धीरे बोलिए। 5 बरस के नरसी जी को अपने हृदय से लगा के रखती थी, रोती थी, हे प्रभु मुझे इतनी आयु देना कि मैं इस बालक को इस लायक करके चली जाऊं कि ये कम से कम कमा के खा ले रोटी। क्यों, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था नरसी जी की भौजाई। नरसी जी की जो भाभी थी वो महाकर्कश वाणी वाली, बोले तो जहरी उगले, आग ही उगले। और नरसी जी फूटे आग नहीं सुहाते थे उसको। अब धीरे धीरे नरसी जी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, लेकिन नरसी जी के साथ बचपन से ही एक बड़ी भारी समस्या जुड़ी हुई थी। बोली राधे श्याम, बीच बीच में बोलते रही दोनों हाथ उठा के राधे श्याम। नरसी जी के साथ एक समस्या जुड़ी हुई थी। अब इसको कह दें कि भगवान कोई परीक्षा ले रहे थे या तो कोई पूर्व जन्म का कर्म था या तो भगवान को कोई लीला दिखानी थी। उनकी हर बात में कोई ना कोई राज होता है। तेरे दीदार के काबिल तो कहां मेरी नजर है कि ये तेरी इनायत है, रुख तेरा इधर है। हम तो ऐसे पापी हैं, भगवान के समक्ष अगर अपने पापों को, खुद को, दूसरे का तो बाद में सोचें, खुद के पापों को अगर हम झांक के देखें तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जो घट झांक्यो आपना तो मोत बुरो न कोई। अपने अंदर जब हम देखेंगे कि हमने कैसे कैसे कार्य किए हैं, जो कार्य कर द्वारा हाथों से किए जाते हैं वो तो गिने जाते ही हैं, जो मस्तिष्क में अगर किसी का बुरा सोचा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बोले आपके हृदय में ये बात जान लीजिएगा, हर आधे घंटे बाद इसको रिपीट कीजिएगा, याद रखिएगा कि आपके हृदय में आपके साथ आपका बाप बैठा हुआ है। बिना बाप के ये शरीर नहीं चल सकता है, और वो पल पल की रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक एक पल हमने अच्छा सोचा तो भी, ये नहीं कि हमने किया नहीं, मन में विचार आया वो भी अपराध की श्रेणी में, वो मानसिक अपराध की श्रेणी में आता है। तो नरसी जी जन्म से ही गूंगे और बहरे थे, न सुन सकते थे न बोल सकते थे। अब वो प्रदेश ऐसा था कि वहां पर कोई भी साधु महात्मा आते नहीं थे, बहुत ज्यादा मंदिर नहीं थे, कोई बहुत भगवान का संकीर्तन नहीं होता था। तो कभी कभार गांव के बाहर एक मंदिर बना हुआ था जहां पर एक शिवालय था, भगवान श्री राधा कृष्ण और राम जी का दरबार लगा हुआ था। उस मंदिर में कभी कभार कोई ना कोई साधु जो द्वारिकाधीश दर्शन करने जाते थे वो कभी कभी आकर के उस मंदिर में रुक जाया करते थे। और जब भी नरसी जी की दादी को ये पता लगता कि मंदिर में कोई साधु महात्मा आए हैं तो वो अपने पोते को लेकर के, 5 बरस के 6 बरस के पोते को लेकर के भागी जाती लकड़ी लेकर के, महाराज कोई कृपा कर दो, महाराज ये छोटा सा बालक है, बिना माँ बाप को बालक है, बोले को नहीं सुने को नहीं, थोड़ी कृपा कर दो, ये बालक थोड़ा बोलने लग जाए, थोड़ा सुनने लग जाए।
मैं कब तक इसके पीछे रहूंगी, इसके साथ रहूंगी महाराज। भूख लगेगी तो ये तो बोल भी को नहीं सके, बता भी को नहीं सके कि मैंने भूख लग रही है, कि मैंने जाडो लग रहा है, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ। और भौजाई तो ऐसी है कि बोल पड़े तो भी ना सुने, और ये तो बोल ही नहीं सकता है, तो गूंगेगी तो क्या ही सुनेगी, वो तो बोलने वाले की नहीं सुनती है, अपनी चार सुना देती है। जो साधु महात्मा आते उनके चरणों में जो जुड़े पूजे सो रख करके आती। मेरे भाई बहन, मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, निजी हित नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, कभी भी आप मंदिर जाएं, किसी कीर्तन में जाएं, कथा में जाएं, या संत को प्रणाम करने जाएं, और बेटी के घर जाएं, गुरु घर जाएं, गिन लीजिएगा कितनी जगह है। मंदिर जाएं, कीर्तन में जाएं, कथा में जाएं, गुरु घर जाएं, और बेटी घर जाएं, ये पांच जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जिनमें से एक जगह तो बेटी का घर है, जहां देना ही देना है सारी उम्र, चाहे इतना ही दो, बाकी की चार जगह देना नहीं है, वहां पर तो धन्यवाद करना है कि आपने जो दिया है उसी में से मैं थोड़ा सा आपको समर्पित कर रहा हूं प्रभु, ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरी भक्ति है, आपके प्रति मेरा प्रेम है। मैं कई बार ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनको भगवान ने बहुत कुछ दिया होता है, और वो खाली हाथ दरबार में आते हैं और हाथ जोड़ करके चले जाते हैं। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर भगवान ने भी ऐसे हाथ जोड़ दिए तो हमको देने वाला कौन है। प्रभु को हमारा धन नहीं चाहिए, हमारा वैभव नहीं चाहिए, प्रभु को क्या चाहिए, प्रभु को हमारा भाव चाहिए। भाव से आप चाहे आप उनको पांच पैसे ही चढ़ा दीजिए, भाव से आप उनको चाहिए वो फूल चढ़ा दीजिए, भाव से चाहे आप उनको दो केले चढ़ा दीजिए, एक सेब चढ़ा दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उनको कुछ धन धान्य ही अर्पित करें, लेकिन खाली हाथ न जाएं, क्योंकि भगवान को दुख होता है कि मैंने इस मानुष को कितना कुछ दिया, और मुझमें श्रद्धा दिखाने के लिए ये दो फूल के पत्ते भी नहीं ला सका, तो दुख होता है भगवान को। इसीलिए नरसिंह जी की जो दादी थी, वो जब भी किसी संत से मिलती, उनके हाथों में चाहे एक पैसा हो, दो पैसा हो, चार आने हो, आठ आने हो, उन दिनों यही चलता था ज्यादा, एक रुपया तो बहुत बड़ी चीज होती थी। तो शिवरात्रि अभी परसों थी ना, शिवरात्रि तीन चार दिन पहले, शिवरात्रि का त्योहार आया तो नरसिंह जी की दादी उस दिन सुबह सुबह 3:30 बजे उठ गई, और 3:30 बजे उठने के बाद नहाई और नहा करके जल्दी से नरसी को उठाया, चल बेटा जल्दी जल्दी से भगवान भोलेनाथ की अपन सेवा कर आए, बाद में तो बहुत भीड़ हो जाएगी, और हो भी जाती है। शुरू शुरू में तो जल और पंचामृत भगवान शिव पर ही चढ़ रहा होता है, और उसके बाद तो बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, और सब एक दूसरे को ही नहला रहे होते हैं, क्योंकि सबको इतनी जल्दी होती है कि बस हम कार्य पूरा करें, शंकर जी के ऊपर जल कैसे भी कैसे करके पहुंच जाए और हम जाएं। तो अगर शंकर जी के ऊपर बड़े भाव से जल चढ़ाना है तो 3:20 से शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त, तब जाइए जब नींद के प्यारे लोग सो रहे होते हैं, उस समय भगवान अकेले आराम से बैठे होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते हैं।
दिल की बात कहिए भी और सुनिए भी। तो ब्रह्म मुहूर्त में नरसी जी की दादी नरसी जी को लेकर के पहुंची और भगवान शिव के माता पार्वती के चरणों में पंचामृत समर्पित किया, फल फूल चढ़ाए, बेल पत्र चढ़ाए, चंदन से तिलक किया, आरती की, हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे भगवान बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इस बालक की तरफ देखो, मेरी जान इस बालक में अटकी हुई है, मेरी ममता इस बालक में अटकी हुई है, कल मैं मर जाऊं तो इस बालक का कौन है, कोई भी नहीं है। जो भी भक्त लोग आ रहे हैं, देखो जिनको आधे पौने घंटे बाद उठ के जाना हो वो पीछे बैठा करो, क्योंकि जो जल्दी जाएंगे वो एकदम से वीआईपी लोग बैठने चाहिए। वीआईपी मतलब नॉट वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, वेरी इंटरेस्टेड पर्सन, जो भगवान की कथा में बहुत इंटरेस्ट रखते हों, प्यार रखते हों, प्रेम रखते हों, वो वीआईपी बैठने चाहिए आगे आगे। जिनको बीच में उठ के जाना है वो पीछे बैठा करें। नरसी जी की दादी पूजा करके घर लौटी, दोपहर का समय हो गया, किसी ने आकर के कहा आज मंदिर में कोई साधु बाबा आए हैं। साधु बाबा? हाँ। तो नरसी जी की दादी जाकर के मंदिर की तरफ दौड़ी, देखते हैं मुख पर इतनी आभा चमक उन महात्मा जी के, जटा जूट धारण किए हुए, भगवा वस्त्र धारण किए हुए वो महात्मा जी समाधि में लीन थे, नाम जप कर रहे थे। नरसी जी की दादी पहुंची, सब लोग पूजा करके जा चुके थे। बोलो राधे श्याम। बीच बीच में इसलिए कि आप लोग को मुझे पता रहे, सुन रहे हो ना कथा, राधे श्याम राधे श्याम। आप कोई मत बोलना, आप भी मत बोलना, आप जोर से बोलना राधे श्याम। जो जो नहीं बोल सकते वो मत बोलना, जो नरसी जी की तरह गूंगे हैं वो मत बोलना, और जो बोल सकते हैं वो बोलना राधे श्याम। पीछे पीछे वाली गली तक आवाज जानी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि कथा शुरू हुई है, तो वो भागे आए, वो ये ना सोचे कि भाई अकेली दीदी बोल रही, दो चार लोग बैठे होंगे। इतनी जोर से बोलिए कि सब लोग आ जाए जल्दी से। जोर से बोलिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब नरसी जी की दादी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई। महाराज अब आप खोलेंगे। बैठी रही, आधा घंटा हो गया, इधर बैठ गई, थोड़ी देर 10-15 मिनट के बाद इधर बैठ गई, फिर सोचने लगी महाराज तो समाधि में उठाना पड़ेगा। तो महाराज के सामने जाकर के बैठ के बोली, महाराज हूँ प्रणाम करूँ छू। गुजरात में रहते थे ना, तो महाराज को सामने जाकर के बोली, महाराज हूँ प्रणाम करूँ छू। महाराज अपनी समाधि में लिए, दूसरी तरफ जाकर के महाराज के कान के पास थोड़ी दूर से बोली, महाराज हूँ प्रणाम करूँ छू। महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इधर वाले कान के पास आकर के बोली, महाराज हूँ प्रणाम करूँ छू। महाराज 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 जी तो हिला ही को नहीं,
तो नरसिंह जी की दादी बोली, मैं भी आज महाराज को जगा के मानूंगी। कोई बड़े साधु संत लगते हैं जो इतनी देर से पुकार रही हूँ तो इन पे असर नहीं हो रहा। परम ज्ञानी लगते हैं, कोई परम हंस संत हैं, लगता है आज नरसिंह का उद्धार हो जाएगा। तो नरसिंह जी की दादी भी बोलती रही, महाराज 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 महाराज, इधर से महाराज महाराज, हे महाराज हे महाराज हे महाराज। महाराज के भीतर जब महाराज की आवाज गई तो महाराज अंदर से सोचने लगे कि थोड़ी देर अगर यह डोकरी चुप नहीं हुई, डोकरी समझो ने, थोड़ी देर अगर यह डोकरी चुप नहीं हुई तो मैं अपना मंत्र भूल जाऊं और महाराज महाराज अपने लग जाऊंगा मैं भी। तो महाराज ने आंखें खोल ली, नरसिंह जी की दादी महाराज के चरणों में गिर पड़ी। महाराज बोले, माता जी क्या चाहती हो, आपने मेरी समाधि भंग करी है। दादी रोने लगी, महाराज मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये बिना माँ बाप का बालक है, बचपन में माँ बाप खो दिए, भोजाई ऐसी कर्कश है, खाने को भोजन एक टाइम देती है एक टाइम नहीं देती है, जब देखो डांटती रहती है मारती रहती है, गूंगा बहरा बालक है। महाराज अपनी पीड़ा भी किसी को नहीं बता पाता है। महाराज इस बालक पर कृपा कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब महाराज ने नरसिंह जी को बुलाया और अपनी गोद में बिठाया। गोद में बिठा करके नरसिंह जी के सिर पे कान पे हाथ फेरा और नरसिंह जी को बोले, बेटा बोलो राधे श्याम। क्या बोले महाराज? नरसिंह जी के कान में फिर बोले महाराज, बोले बेटा बोलो राधे श्याम। तीसरी बार फिर बोले, बेटा बोलो राधे श्याम। तो नरसिंह जी धीरे से बोले, राधे श्याम। बोलिए शंकर भगवान की। वो संत कोई और नहीं, शिवरात्रि के दिन स्वयं भगवान शंकर संत का रूप लेकर के पधारे थे। भगवान ने नरसिंह जी के लिए शंकर जी को भेजा था कि अब नरसिंह के गुणगान करने का, नरसिंह की भक्ति प्रकट होने का समय आ रहा है, आप जाइए और उसको वाणी प्रदान कीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए। अब नरसिंह जी की दादी तो महाराज को बार बार, महाराज धारो मैं तो कहीं कतई को नहीं चुका सकूं कर्जो, महाराज थे बहुत कृपा करी बहुत कृपा करी। महाराज रुको, बुजुर्ग महिलाएं माता बहने होती है ना, इधर एक छोटी सी पुड़िया रखती कपड़े की, तो खोल के देखे उसमें एक आना दो आना चार आना आठ आना, एक आना चढ़ाऊं के दो आना चढ़ाऊं के चार आना चढ़ाऊं के एक रुपये चढ़ाऊं। महाराज बोला, माई मन की कौन चाहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका बच्चा सुनने बोलने लग गया, आप पधारो जाओ। जय हो करती हुई नरसिंह जी की दादी नरसिंह को लेकर के घर की तरफ दौड़ी और एक ही बात बोली, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, श्याम बोलो राधे श्याम, राधे 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 श्याम राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम।
नरसिंह जी की दादी घर पहुंची तो नरसिंह जी की दादी झूम रही, नाच रही, हंस रही, खुश। नरसिंह जी की भाभी ने कहा, क्या बात हो गई माताजी, आज इतनी खुश क्यों हो? बोली, खुश इसलिए हूं कि मेरा पोता बोलने लग गया। बोले, हाँ, कदे गूंगा बोलिया, बेरा सुनिया हो, हमने तो कभी नहीं देखा। बोले, नहीं सच्ची में बोल रहा है बेटा, बोल के दिखाओ। अब नरसिंह जी ने क्या किया, बोला राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, 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 करते करते नरसिंह जी बड़े होने लगे। इसी बीच उनकी दादी का देहांत हो गया। लेकिन ये धरती छोड़ने से पहले वो नरसिंह जी का विवाह भगवान से मांगती थी। एक सुंदर और सुशील कन्या देख करके नरसिंह जी का विवाह कर दिया गया। इसके बाद नरसिंह जी की दादी का देहांत हो गया। लेकिन भौजाई जो पहले नरसिंह जी को नहीं टिकने देती थी, अब नरसिंह जी की पत्नी को नहीं टिकने देती। जो ताने, जो अत्याचार, सारे घर का काम उसके बाद भी बेचारी को टिकने नहीं देती थी। एक दिन नरसिंह जी को बोली, इतनी बड़ी पर्ची लिख करके दे दी, बोली जाओ और जाकर के बाजार हाट से राशन ले आओ, आज घर में राशन खत्म है, राशन समय से नहीं पहुंचा तो भोजन नहीं बनेगा। नरसिंह जी वो कागज लेकर के बाजार हाट गए, थैला भर के राशन ला रहे थे। रास्ते में वही मंदिर पड़ता था जहां पर महात्मा जी के दर्शन होते थे। उस मंदिर में उस दिन संकीर्तन हो रहा था। अब देखो, जो भगवान का प्रेमी होगा, जो भगवान का प्यारा होगा और वो कहीं से गुजर रहा हो, श्याम प्रेमी ही समझ लो, कोई गुजर रहा हो, निकल रहा हो और बाबा का कीर्तन हो रहा हो, कोई बिहारी जी का प्रेमी और कीर्तन हो रहा हो, वो अंदर न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये लाइन को थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते जाओ भैया, बस जोत को प्रणाम करते जाएंगे ना तो जल्दी आगे बढ़ेगी लाइन, जोत को प्रणाम करते जाइए। तो नरसिंह जी के कानों में जैसे ही ये ढोलक चिमटे की आवाज पड़ी, मेरो राजा कान में आवाज पड़ी, थैला लेके सीधे मंदिर के अंदर, सीधे मंदिर में। अब तो भजन जो शुरू हुए, नरसिंह जी को तो होश नहीं। जानते हैं भगवान को भजन कैसे करना चाहिए? संत लोग कहते हैं कि नाम जपो तो ऐसे जपो, कैसे? जैसे बोले, रुपए की गड्डी तुमको कोई दे, रुपये की गड्डी दे, 1,00,000 रुपए आपकी पेमेंट है,
आपको भी ठहर जाओ भाई, गिन लो थोड़ा, गिन लो बीच में अगर बच्चा आ गया कोई, पापा पापा ने धर के दिया थप्पा, सारी गिनती भुला दी मुझे, फिर दोबारा से, फिर कोई दूसरा बच्चा आ गया, पापा पापा ने फिर धर के दिया एक मौका, फिर भुला दी गिनती, यानी कि दिमाग बिल्कुल यही है। नरसी जी मंदिर में भजन में ऐसे लीन हुए, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम लगाई।
और जहां देर लगाई तो फिर आज घर में भोजन नहीं पकेगा। कहां गए थे इतनी देर तक? नरसिंह जी बोले, भाभी सब मंदिर में, भैया टोफी मत फेंको, मत फेंको, बाद में प्रसाद के साथ सबको दे देना। देखो हमको एक घंटा लगा है आपका ध्यान इधर करने में, और टोफी को एक मिनट नहीं लगा आपका ध्यान उधर करने में। इसी को कहते हैं कि भक्ति में मन नहीं लगना, सहज नहीं लगता है भक्ति और भगवान में मन। नरसिंह जी की भौजाई तो आज बहुत गुस्से में थी, बोली आज तो या तो घर में ये रहेगा या तो मैं रहूंगी, और मैं तो मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा के मरूंगी अगर आज ये इस घर में रहेगा तो। और जो नहीं बोलना था, नहीं बोलना था, सो सो बोली। कहां गए थे तुम? नरसिंह जी भाभी के सामने हाथ जोड़ने लगे, भाभी साहब मैंने माफ कर दो। नरसिंह जी की भाभी ने धक्का देकर के नरसिंह जी को कहा, चलो यहां से निकलो। दिन रात भजन कीर्तन, भजन कीर्तन, भजन कीर्तन, और कुछ आता जाता है नहीं। शेर अनाज सुबह को खा जाता है, शेर अनाज शाम को खा जाता है, कमाता धमाता कुछ है नहीं। धरती पे बोझ, निकल यहां से। नरसिंह जी बोले, भाभी साहब मैं कहां जाऊंगा, अब मैं कहां जाऊंगा, अब तो मेरा कोई भी नहीं है, बेटियों के घर में जा नहीं सकता, पत्नी है नहीं, अब तो आप ही हो, मेरी भाभी हो या माँ हो, जो कुछ हो आप ही हो। लेकिन नरसिंह जी की भाभी ने एक नहीं सुनी, हाथ पकड़ के नरसिंह जी का और बाहर भगा करके धक्का मार करके छोड़ के आई, निकल यहां से, और अपने घर के महल के अंदर चली गई। अब नरसिंह जी वहां से उठे और फिर उसी मंदिर में जाकर के और भगवान के चरणों में जाकर के भोलेनाथ के जो शिवलिंग था, उस शिवलिंग कैसे लिपट गए और रोने लगे जोर से, हे भगवान, हमने सुना था कि जो अनाथ होते हैं उसका तू होता है, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है, तो क्या तू भी मेरा नहीं है? एक दादी थी वो भी चली गई, पत्नी थी वो भी चली गई, कम से कम तुम तो अपने चरणों में मुझे जगह दे दो। शंकर भगवान की बहुत पूजा किया करते थे, शिवलिंग को आज तक पंचामृत से नहलाया था, लेकिन आज आज शिवलिंग को आंसुओं से नहला दिया नरसिंह जी। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, yeah।
नहीं किया, मैंने ना किसी से धेला लिया ना किसी को धेला दिया, मैंने केवल एक ही चीज ली और एक ही चीज दी, आपका नाम लिया और सबको आपका ही नाम दिया। मेरे पास और कुछ नहीं है, तेरा प्यार मिले तो सुख पाऊं, तेरा प्यार मिले तो सुख पाऊं, नहीं तो मैं दुख में मर जाऊं, नहीं तो मैं दुख में मर जाऊं। नरसी जी रोते रहे रोते रहे रोते रहे, जो मंदिर में आए पूछे, नरसी क्या हुआ, इतनी रात को यहां बैठा है, घर क्यों नहीं जा रहा। नरसी जी कहने लगे, एक उसके दर का होना है या दर दर मुझे रुलाना है, मन से बोलो ए मेरे प्रभु अब मुझसे क्या करवाना है। जिस घर में जन्मा बड़ा हुआ, जहां अब तक उम्र गुजारी है, ले देख उसी घर वालों ने मुझको ये ठोकर मारी है। ये ठोकर नहीं है, ज्ञान है, ये इससे ही लाभ उठाना है, उसको ही द्वार मिले उसका जिसका ना ठोर ठिकाना है। अगर आपको ये लग रहा है कि देखो मैंने बच्चे का कितना किया, बेटे का कितना किया, ब्याह होते ही बदल गया, बेटी का कितना किया, ब्याह होते ही बदल गई, बहन भाइयों का कितना किया, और एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि मैंने सबका करके देख लिया, मैंने सबका हो कर देख लिया, अब तेरा हो है और एक और प्रभु का द्वारा है। एक तरफ जग का प्यार है, एक तरफ प्रभु का द्वारा है, दोनों में से क्या चाहता है, क्या समझा और क्या बिचारा है। मत तोड़ना, नरसी जी रोए जा रहे हैं, भगवान शिव से लिपट लिपट के रोए जा रहे हैं, लागी लगन मत तोड़ना, लाग
की लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदियां नाम पुरानी, गहरी नदियां नाम पुरानी, तेरे बिना ये डूब ही जानी, तेरे बिना ये डूब ही जानी। एक एक दिन जा रहा है, याद नहीं है हमको। हम सुबह उठ करके ये याद करते हैं कि क्या नाश्ता बनेगा, कौन सी सब्जी बनेगी, क्या खाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, अब दोपहर को कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, फिर शाम का खाना। ये माता बहनों का है। इधर सुबह कहाँ जाना है, किसको फोन करना है, किससे क्या हिसाब किताब करना है, हम इसी में लगे हुए हैं और ये भूल ही गए हैं कि जीवन जा रहा है। और ये जो चला गया है जीवन, ये खरबों रुपये कमाने के बाद भी लौट के नहीं आएगा। जब सारी उम्र हमने भक्ति करी नहीं, पूजा करी नहीं, कमाने में लगे रहे और गवाने में लगे रहे, और जब बुढ़ापा आया तो सोचा बैठ के खाऊंगा, और जैसे बुढ़ापा आया नाव पुरानी हुई तो नाव में छेद होने लगे इधर उधर। छेद का मतलब शुगर, ब्लड प्रेशर हाई, सारी बीमारियां इधर ही भाग आई। तू जब इतना कमा करके भोजन की थाली लेकर के बैठा तो बीपी हाई हो गया। अब डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं खाना, बस दलिया खाना। पूरा परिवार मजे से सब कुछ खा रहा है और जिसने कमाया है वो बस दलिया खा रहा है। और जब अंत समय आया, धर्मराज लठ लेकर के आए तो बोले भगवान मैंने तो भी कुछ किया ही नहीं, इतना कमाया हमें तो कुछ खाने तो दो। तो धर्मराज बोले किसने मना किया था, खा लेता, तू तो सोच रहा था और कमा लूं और कमा लूं और कमा लूं और कमा लूं, और कमाते कमाते जीवन गवा दिया। तो नरसिंह जी कह रहे हैं मैं ऐसे अपना जीवन नहीं गंवा सकता प्रभु। अब नरसिंह जी भोलेनाथ को पुकार लगा रहे हैं, हे शिव शंकर कैलाश के वासी। दिव्य रख रहे हैं, हे शिव शंकर कैलाश के वासी, सुन लो मेरी पुकार बाबा, सुन लो मेरी पुकार बाबा, सुन लो मेरी पुकार। आज जो दर्श नहीं दिखलाया, मर जाऊंगा आज हो बाबा, मर जाऊंगा आज हो बाबा, मर जाऊंगा आज। नरसिंह ने पूरी रात गुजार दी, दिन गुजार दिया, एक दिन दो दिन तीन दिन, कई लोग आए, भाई भी आया, कई सत्संगियों ने समझाया चल घर ना, अब नहीं जाना। नरसी बोला ये द्वार छोड़ मैं और कहीं ना जाऊंगा, अब तो साक्षात हरि का दर्शन करके ही कुछ खाऊंगा। देना है तो हरि भक्तों अब ये ही आशीर्वाद मुझे, कि आकर के खिलाए प्रभु अपने हाथों प्रसाद मुझे। और अब नरसिंह जी हाथ जोड़ करके बैठ गए। सातवां दिन था और हाथ जोड़ करके भोले बाबा के आगे बैठ गए और केवल एक बात बोले,
बोल बोल सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोल बोल सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का रूप धारण करके और तुरंत नरसिंह जी के आगे प्रकट हो गए। नरसिंह जी भगवान शंकर को पहचान गए। जैसे ही भगवान ने कहा नरसिंह उठो पुत्र, नरसिंह ने जैसे ही देखा भगवान के चरण पकड़ के रो पड़े। हे भगवान, इतनी देर लगा दी आने में, मुझे तो लगा था आज मेरे प्राण जाएंगे आपको बुलाने में। रोते रोते नरसिंह जी की काया जर्जर हो गई, एक एक हड्डी दिखने लगी। 7-8 दिन से कुछ खाया नहीं। भोले भंडारी शंकर ने आकर गले लगाया है, आकर गले लगाया है, आकर गले लगाया है। 7 दिवस हो गए पुत्र, तूने क्यों नहीं कुछ भी खाया साक्षात करो। भगवान शंकर बोले क्या क्या मांग रहे हो? बोले जो आपको प्रिय है वही मांग रहा हूं। बोले मुझे क्या प्रिय है? मैं मुझे जानता हूं आपको श्री राधे श्याम बहुत प्रिय है। मैं जानता हूं ये भक्ति, ये नाम, ये श्रद्धा मुझे आप ही ने दी है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपने मेरी दादी से कहा था कि ये तो गूंगा होने के लिए नहीं आया है, ये तो साक्षात भगत आया है सारे संगूंगे संसार को भगवान का नाम गवाने के लिए आया है। ये तुम्हारा पोता आगे चल करके बड़ा होकर के भगवान का परम प्रिय भक्त बनेगा और दुनिया को भक्ति की राह दिखलाएगा। मुझे आज भी याद है। तो हे प्रभु, मैं राह कैसे दिखलाऊं जब तक मुझे मेरी राह नहीं दिखाई दे रही है? नुकु और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलिए, नुकु और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलिए, ओ श्री राधा कृष्ण मिलिए, ओ श्री राधा कृष्ण मिलिए। रह सकते हैं इतना कठिन व्रत, न पानी पिया, न रोटी खाई, न अपनी जगह से हटे, न नहाए, न धोए, न सोए। 7 दिन कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है
बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो भी खड़े हैं वो बैठ जाओ। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि भोजन और भजन दोनों बैठ के करने चाहिए, इसलिए बैठ जाओ। आपका बैठना, आपको पुण्य ही मिलेगा बैठना। नरसी जी जिद पे अड़ गए, भोले बाबा बोले, रे नरसी क्या मांग लिया तूने, कैसे बताऊं तुझे। बोले भगवान मुझे मुझे भगवान के रास दिखा दो, उसका दर्शन करा दो एक बार। अरे बोले वहां तो हमारा ही प्रवेश नहीं है, तुम्हें कैसे ले जाऊं। तो नरसी जी बोले क्यों क्यों प्रवेश नहीं है। बोले वहां पे ऐसे दाढ़ी मूछ वाले गोपे नहीं जाते, वहां केवल गोपियां जाती हैं, गोपियों का ही प्रवेश है। पार्वती जाती है, मैं नहीं जा सकता, मुझे ही एक बार बड़ी मुश्किल से प्रवेश मिला है। कैसे प्रभु। बोले बड़ी लंबी कथा है, फिर सुनाऊंगा। नहीं 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 मुझे सुनाओ। तो शंकर भगवान बोले देखो उनके रास में अगर जाना है तो तुम्हें भी गोपी बनना पड़ेगा और मुझे भी गोपी बनना पड़ेगा। वो कैसे महाराज। बोले गोपियों जैसा श्रृंगार करना पड़ेगा और गोपियों की तरह ही महाराज करना पड़ेगा। अब तो भगवान शंकर और नरसी जी दोनों चले गए, गोपी का वेश धारण करने के लिए। ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर नरसी जी को अपनी कथा सुना रहे हैं कि जब मैं गया था रास में, नरसी जी को बता रहे हैं कितना मुश्किल है रास में जाना। आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं, बोलो राधे, थोड़ा कम करना बेटा, बोलो राधे, और जोर से बोलो राधे। देखो लोग अभी भी चुप हैं आधे, बोलो राधे। हाथ पीछे वालों के नीचे हैं आधे, पूरे हाथ उठा के कहो जय जय श्री राधे। तो देखो भोले शंकर नरसी जी को कथा सुना रहे हैं अपने कि जब मैं गया था तो क्या। बोले भोले शंकर बोले एक दिन क्या हुआ, शरद पूर्णिमा की रात को पार्वती बहुत सज रही थी, सोले सिंगार कर रही थी, चूड़ियां अलग अलग चूड़ियां, नाक में नथनी, ये नरसी जी को भी उड़ाओ चुन्नी, वो भी तो बनेंगे। जय जय। नरसी जी को भी बना दिया गोपी, भोले बाबा खुद भी बन गए गोपी। अब नरसी जी को सुना रहे हैं, नरसी जी बैठे बैठे सुन रहे हैं कि एक दिन पार्वती सज रही थी तो शरद पूर्णिमा की रात को मैंने पूछा कहाँ जा रही हो। पार्वती जी बोली क्यों। बोले बड़ी सज धज रही हो। बोले हाँ वो मुझे महाराष्ट्र में जाना है। तो भोले बाबा बोले मैं भी चलूंगा। बोले आप नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकता। बोले वहां पर गोपा नहीं जाता, गोपी जाती है। भगवान शंकर जल्दी से गुफा में गए और लहंगा चुन्नी पहन करके और गोपी बन करके आ गए। बोले लो मैं भी बन गया तुम्हारी जैसी, देख लो तुम घूंघट निकाल लो और मैं घूंघट निकाल लूं, कोई पहचान नहीं पाएगा कौन सी पार्वती है कौन सी भोला है, देख ले तू।
मैं चलूंगा तेरे संग। पार्वती जी बोली, ना 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 ना, मैं नहीं ले जा सकती। क्यों? वो बोले, पकड़े जाएंगे तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं पकड़े जाएंगे। तू बोलना ही आज मेरी सहेली आई है, कोई गोपी नहीं आई है, ऐसे बता देना। एक दिन वो बोले भंडारी, चलो थोड़ा लचक के चलो। तो लचक मचक के भोलेनाथ ने जो चाल चल के दिखाई, मटक मटक के चलने लगे। वो बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली कुल भंडारी करके बिजरा गए हैं, गुल
क्या देखते हैं, राधिका और श्री कृष्ण वहां रास रचा रहे हैं। जितनी मेरी माताएं बहने हैं जरा खड़ी होकर के आओ, रास में शामिल हो जाओ, फिर बैठ जाना, झूम के नाचे जाना। आओ भैया, गोपियों के बीच में नाच रही थी तो अलग ही दिख रही थी। देखा जब गोपियों की तरफ लेके गए, बोला हेरी कौन है तू? भोलेनाथ मुंह छुपाने लगे, शर्माने लगे, हाथ से दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। हम बोली मैं गोपी हूं। बोले गोपी भैया, इन बच्चों को बैठा लो, बैठ जाओ बच्चे छोटे छोटे, बैठ जाओ सारे। भोलेनाथ ने दोनों हाथों से अपने मुंह को छुपा लिया, बोले मैं गोपी हूँ। गोपी है, क्या नाम है तेरा? मैं बोले मेरा नाम भोली है, भोली। भोला ने अपना क्या नाम रखा? भोली। भोली तो बोले भोली, जान तो गया हूं, मुझे सब पता है कि तू कौन है और किस लिए आई है। बोले नहीं जी, मैं तो आपका महाराज देखने आई हूँ। तो बोले अच्छा चल जरा घूम के दिखा। बोले तुम बंसी बजाओ फिर घूमूंगी मैं। अब जो बंसी बजाई है मोहना ने और जो ढोल बजे जो घूमे, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुत पुत भूले भोले नाथ रे, ऐसी बजाई बंसी, सुत पुत भूले। वो साड़ी कहीं गई, घूंघटा कहीं गया, सब उड़ गया, साड़ी वाड़ी सब जूड़ा दिखने लगा, ये सब उतर गया। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोले नाथ रे, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले जब साड़ी लग गई, जब साड़ी सिकाए बनवारी बबुल में आ गए, बबुल में आ गए हैं, बबुल में आ गए हैं। दिन वो बोले भंडारी, दिन वो बोले भंडारी, करके बबुल में आ गए, बबुल में आ बनाया, लहंगा पहनाया, चुन्नी उड़ाई और भगवान शिव के रास में लेकर के गए हैं।
जहाँ पर भगवान अपनी गोपियों के संग में रास कर रहे हैं। और ऐसी बंसी बज रही थी, ऐसे ढोल नगाड़े बज रहे थे, जितने लोग खड़े हैं सब दोनों हाथ उठा के घूमो, जरा चार पांच चक्कर लगाओ, जरा घूम करके, एक दो तीन जय हो। सखी के रूप में आया है, हे प्रभु ये सब राशेश्वरी ब्रजेश्वरी राधेश्वरी की माया है, जाकर रसिया राशेश्वरी के कर दर्शन पूरी आस करो, और हे भाग्यवान नरसी चलो अब तुम हरि के संग रास करो। अब तो भगवान ने नरसी के दोनों हाथ पकड़े, और दोनों हाथ पकड़ के जो दोनों नाचे, आप भी दोनों हाथ उठाओ जरा मिल करके, ताली बजा करके, जय हो। नरसी जी को बोले इनको नाचना नहीं आता, लगता है कुछ सखियां हंसकर यूं बोली, ये सखी बिल्कुल नई नवेली है, हमको तो ऐसा लगता है ये भोलेनाथ की चेली है। भगवान हंसने लगे, बोले हाँ तो भोलेनाथ की तो चेली है, वही तो लेकर के आए हैं। जब जानी जान ये कहने लगे कि नया नहीं ये प्यार पुराना है, और इस नई नवेली को मैंने अब रसिक प्रधान बनाना है, भोलेनाथ नरसी जी का हाथ भगवान के हाथ में देकर के चले गए। और नरसी जी बहुत दिनों तक भगवान की सेवा में रहे, भगवान की सेवा में कर रहते रहते पता ही नहीं चला कितने दिन बीत गए।
एक दिन भगवान ने नरसी जी को कहा, नरसी मैं तुम्हें तीन चीजें दे रहा हूं, अब तुम्हें धरती पर लौट करके जाना है। नरसिंह जी भगवान के चरण पकड़ के रोने लगे, भगवान मुझको आपको छोड़ के नहीं जाना है। भगवान बोले, जाना तो पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो गुजरात की सूखी हुई धरती को भक्ति के प्रेम से कौन लहलहाएगा, कौन उनको हरिनाम की गंगा से स्नान कराएगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ये तीन चीजें दे रहा हूं, एक टोपी जो नरसी जी को दी, एक खड़ताल और एक केदारा राग। नरसी जी को कहने लगे, ये केदार राग तुम जब जब गाओगे मैं तब तब आऊंगा। नरसी जी रो के कहने लगे, अगर आप नहीं आए केदार राग गाने पर तो मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा, मैं अवश्य आऊंगा। और नरसी जी को कहा, आंख बंद करो। आंख बंद करते ही नरसी जी सो गए और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की, अब नरसिंह जी जब होश में आए, धीरे धीरे उठे तो क्या देखते हैं, जिस मंदिर से रास में गए थे उसी मंदिर में बैठे हैं। हाँ ये रखो, ठंडा तो नहीं भाई, बहुत ठंडा, नॉर्मल रखो। तो नरसी जी भगवान को कहते थे सावल शाह। क्या कहते थे? सावल शाह। हो सावल शाह, सावल शाह, आरे आरे मारा सावल शाह। सावली सा, सावली
परेशान। अब तो नरसी का भावुक मन स्वयं रचना लिख गाता था और सावल शाह का कीर्तन करके आनंद सुधा बरसाता था। एकांत में एक झोपड़ी बनवा ली और सोचा हरि नाम के भजन के बिना एक भी सांस न जाए खाली। जितना जीवन भगवान के भजन में बीत रहा है ना, बस वही जीवन है जो वहां लिखा जा रहा है। उसके बगैर जितना जीवन हम जी रहे हैं भाई, वो तो चार पैर वाले जीव भी जी रहे हैं, वो भी बालक बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी पेट भर रहे हैं, हम भी पेट भर रहे हैं। लेकिन वो चार पग वाले जीव भगवान का भजन नहीं कर सकते, वो अपना कल्याण नहीं कर सकते, वो अपना मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो भगवान को नहीं पा सकते। ये हमारे पास भगवान ने ये कृपा करी है, ये फर्क है हम में और चार पांव वाले जीवों में। तो नरसी जी का एक झोपड़ी बना ली अपने गांव के बाहर। अब कई बार भाई और भौजाई ने आकर के समझाया कि महलों को छोड़ करके झोपड़ी में क्यों हम पर दाग लगाया है। भाई भौजाई ने जाकर कई बार उसे समझाया, संपत्ति पिता की ले ले आकर धनमान जगत को प्यारा है, माँ बाप की पूंजी में पूरा पूरा अधिकार तुम्हारा है। भाई कह रहा है आधा हिस्सा ले ले भाई। नरसी जी क्या कहने लगे देखो, ये है सत्य सनातन धर्म। मेरे भाई बहन, सत्य सनातन धर्म सदा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है कि सारी दुनिया हमारा परिवार है। हम सत्य सनातन धर्म वाले कहते हैं सब हमारे हैं, अपने हैं। ये वो धरती है जहां पर एक भाई दूसरे भाई के लिए पूरा राज्य सिंहासन छोड़ करके 14 वर्ष के वनवास पर चला जाता है और दूसरा भाई जब आता है और उसे पता लगता है कि मेरी वजह से मेरे बड़े भाई वनवास चले गए हैं, तो वो उस सिंहासन को छोड़ करके और नगर के बाहर झोपड़ी बना करके उनकी हड़ताल उनकी खड़ाऊ लेकर के उस राज्य को चलाता है। ये है सत्य सनातन के दो भाइयों का प्रेम। वहीं दूसरी तरफ आप देख लो कि भाई के लिए भाई की गर्दन काट करके सिंहासन के लिए जो भाई का शीश पिता को भेंट में भिजवाता है, ये दूसरे धर्म की और ये हमारे धर्म का है कि नरसी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए हिस्सा हिस्सा। नरसी बोले मात पिता गए पर पिता का दास हूँ मैं, परम पिता का दास हूँ मैं, परम पिता का दास हूँ मैं, वही सब कुछ देगा मुझको जिस पर रख विश्वास हूँ मैं, जिस पर रख विश्वास हूँ मैं, जिस पर रख विश्वास हूँ मैं। जगत का झूठा है इसकी ना मुझे जरूरत है, इसकी ना मुझे जरूरत है, इसकी ना मुझे जरूरत है। सुंदर मूर्त है ओ बच गई सुंदर मूर्त है, हो बच गई सुंदर मूर्त है। चावल साफों का कर मैं धन धाने और ना चाहूंगा, चावल साफों का कर के धन धान और ना चाहूंगा, हरी भजन की पूंजी को मैं ऐसे नहीं गवाऊंगा, ऐसे नहीं गवाऊंगा, ऐसे नहीं गवाऊंगा। तुम महलों में आबाद रहो, रहो धनवानों की बस्ती में, धनवानों की बस्ती में, धनवानों की बस्ती में, मेरे दिल की बस्ती अब हरि नाम की बस्ती में, अब हरि नाम की बस्ती में, अब हरि नाम की बस्ती में, दिल की बस्ती तेरी मस्ती।
बस्ती बिना आबाद न हो। दिल वो किस काम का है जिस दिल में तेरी याद न हो। देखो भगवान को याद करोगे तो याद ऊपर जाएगी। याद और जब ऊपर से लौट के आएगी तो क्या बन जाएगी? दया। याद ऊपर गई और दया नीचे लौट करके आ गई। अब एक दिन नरसिंह जी अपनी झोपड़ी में बैठे बैठे भजन कर रहे थे तो एक दो साधु आ गए। नरसिंह जी भजन कर रहे हैं, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अच्छा आप सारे भी बोल रहे हैं, पर जरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, सारे बोलना। हाथ उठा के बताओ जो जो नहीं बोल रहे थे। अच्छा जो जो बोल रहे थे वो हाथ उठाओ। इतने सारे जने बोल रहे थे तो आवाज इतनी कम क्यों आ रही? भैया देखो सुनो, वीडियो बना रहे हो ना, जिनके हाथ नीचे हैं और जो ऐसे बैठे, इधर देखो ऐसे बैठे, मैं क्यों कहूँ उनकी ना इतना बड़ा मुंह आना चाहिए। वो जब देखेंगे यूट्यूब पे, देखो सारे लोग ऐसे कर रहे थे, मैं ऐसे बैठा था या मैं ऐसे बैठी थी। फिर हम जब भगवान के पास जाएंगे ना, भगवान हम पे दया करो, भगवान भी ऐसे बैठ जाएंगे, तो भी तो ऐसे ही बैठा था या बैठी थी, मैं क्यों, मैं भी ऐसे बैठूं। तो दोनों हाथ उठाओ और भैया चारों तरफ से घुमाना ये इस कैमरे को, सारे दोनों हाथ उठाओ। नरसिंह जी के पास दो साधु और आ गए। नरसिंह जी ने कहा आओ रूखा सूखा मिलकर खाएंगे, मैं भी भजन गाऊं, हम सब मिलकर मौज उड़ाएंगे। हाथ उठा के गाओ, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जोर से, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कई लोग सोच रहे हैं आगे वाले गा रहे हैं, हम क्या करेंगे? उधर भंडारे में जाके देखो, कोई सोच भी रहा हो कि आगे वाले खा रहे हैं, हम क्या करेंगे? उधर भी कोई सोचे ऐसा? वो पेट का भोजन है, ये आत्मा का भोजन है। एक बार और गाओ जोर से, अपने आप गाओ, मैंने क्या बोला था बोलो। जीवन चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, देखिए ताली की आवाज आए, एक दो Hey, man.
नरसी जी के साथ में और साधु जुड़ गए, दो चार मेरे भाई बंधु और बैठ जाओ यहाँ पर, थोड़ा सा भजन कर लो। आप भी भैया जी इनके साथ ही बैठ जाओ, हाँ बैठो। भगवान का भजन आती है ऐसी कीमती रातें कभी कभी, और होती है भक्त और भगवान की बातें कभी कभी। अब तो वहां पर रोज मंडली लगने लगी, रोज कीर्तन होने लगा। तो एक बार नरसी जी भजन कर रहे थे, तो नरसी जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था नानी बाई। नानी बाई का ब्याह करके नरसी जी बिल्कुल ही आजाद हो गए। अब तो अब कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन पता ही नहीं लगा कि नानी बाई के भी पुत्री हुई, और वो पुत्री कब ब्याह के लायक हो गई ये किसी को पता ही नहीं चला। कितनी जल्दी लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। तो नानी बाई को अपने पुत्री की ब्याह की बड़ी चिंता थी। जब से ब्याह के गई थी तो माँ तो पहले ही मर चुकी थी, एक पिता थे वो भी आज यहाँ कल वहां परसों वहां, कोई एक ठिकाना तो है नहीं। जबले साधुओं की मंडली और अपने चल पड़े, कभी द्वारकाधीश जा रहे हैं, कभी जगन्नाथ जी जा रहे हैं साधुओं के साथ में, और पैदल ही यात्रा करते थे। उन दिनों में चोर डाकुओं का बड़ा आतंक था, लेकिन नरसी जी कहते थे हमारे पास क्या है जो कोई लूट लेगा। इधर नानी बाई अपनी सास से बहुत डरती थी, नानी बाई अपनी सास से बहुत डरती थी। क्यों? क्योंकि जिस दिन से ब्याह के आई उसके बाद कभी ना तो पीहर से कोई आया और ना कभी पीहर वालों ने बुलाया, कोई हो तो बुलाए। तो नानी बाई की पुत्री का एक अच्छी जगह देख करके रिश्ता कर दिया गया। जिस घर में कन्या नरसी की ब्याही थी वहां खुशहाली थी, सब लोग तो अच्छे थे मगर वहां सास झगड़ने वाली थी। जब देखो कुछ ना कुछ नानी बाई को कहती रहती थी, तूने ये साफ नहीं किया, ये काम नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तेरे बाप तो तेन ब्याह कर भूल गए उठे, कोई लेनो एक ना देनो दो, कोई छूछक ना, कोई बात ना, कोई कुछ नहीं, कोई बार त्योहार होली दिवाली कुछ नहीं करती थी। और ननद सास के साथ साथ ननद और दो बातें लगा करके, माँ देखो इसने आज ये नहीं किया, देखो इसने आज ये नहीं किया, और दोनों ही भूल गई थी कि इसको भी पराए घर जाना है। लेकिन नानी बाई संस्कारी बेटी थी, सब सह रही थी। बेटी का ब्याह जब रचाया गया लिखा गया तो नानी बाई ने अपनी सास से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि माता जी मेरी पुत्री का ब्याह है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करती हूँ कि आप
मेरे पिता को न्योता जरूर भेजिएगा, मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। तो नानी बाई की सास बोली, ओ कि धरो भी मोडिया कने जो ब्याह में बुलावा, कुछ है तो है नहीं, पहनने लायक कपड़े नहीं है उसके पास में, फकीर बना डोले मोडिया बन गया। हमने सुना आएगा यहां पर हमारी इज्जत और खराब करवाएगा, हमारे नाम को कलंक लगाएगा कि देखो ऐसा समझी है। नहीं 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 सासू जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पांव पकड़ती हूँ, मेरे पिता को न्योता जरूर भेजिए। मुझे 20 साल हो गए अपने पिता को देखे हुए, क्या पता दोहती का ब्याह सुन करके वो आ जाए और मैं अपने पिता के अंतिम बार दर्शन कर लूं। नानी बाई रोने लगी, लेकिन सास ननद को जरा भी तरस नहीं आया। कुछ बुढ़िया नहीं ढंग की थी जो बात बात पर अड़ती थी, बात बात पर अड़ती थी जो बात बात पर अड़ती थी, हर रोज नानी भाई से दिन रात यूं ही झगड़ती थी, दिन रात यूं ही झगड़ती थी, दिन रात यूं ही झगड़ती थी। किसी बात हुई घर में तो उसमें टांग अड़ा डाली, तो उसमें टांग अड़ा डाली, तो उसमें टांग अड़ा डाली, थोड़ी सी जरूरत होने पर मामूली मांग बढ़ा डाली, मामूली मांग बढ़ा डाली, मामूली मांग बढ़ा डाली, सुख साधन होने पर भी सर पर दे चढ़ी हुई बुढ़िया, सर पर दे चढ़ी हुई बुढ़िया, सर पर दे चढ़ी हुई बुढ़िया, सबके ऊपर कर रही हुक्म ये बुढ़िया आफत की बुढ़िया, ये बुढ़िया आफत की बुढ़िया, ये बुढ़िया आफत की बुढ़िया। लेकिन नानी बाई का नाम था हरनंदी, हरनंदी था। अब जब बेटी के ब्याह का अवसर आया तो सबको कार्ड जा रहे हैं, सबको न्योता जा रहा है, लेकिन नानी बाई के ऊपर वो नहीं पिघली सांस। बोली, बहू अगर अपने पिता को बुलाना ही चाहती हो तो फिर जैसे मैं कहूंगी वैसे बुलाओ। क्यों? क्योंकि जिस वक्त नानी बाई सास के आगे हाथ जोड़ रही थी, गांव के सरपंच, हमने आज तक ना धन को भी कमाया तो खर्च कहां करेंगे। तो बोले पंडित जी मैं चलूं। पंडित जी मनी मन सोच रहे थे कि नरसी जी कुछ खाने वाने को पूछेंगे, कुछ दान दक्षिणा देंगे। नरसी जी ने कहा, पधारो महाराज। पंडित जी खड़े हो गए, एक बार और पूछने लगे, बोले जाऊं? नरसी जी बोले हाँ जाओ। पंडित जी ने कहा, इतनी दूर से आए बताओ, खाने को भी नहीं पूछा, अब उसको क्या पता कि वो खुद भी दो दिन छोड़ करके तीसरे दिन भोजन करते थे, बाकी दो दिन भजन ही करते थे। अब जब ब्याह नजदीक आया तो नरसी जी ने अपने साथ के सारे साधुओं से कहा, चलो जी अपनी दोहती का ब्याह में चलना है। तो बोले इतनी दूर जाओगे कैसे? बोले हाँ ये बात तो है, अब तो पैदल चलने की हिम्मत नहीं रही। तो गांव में कई लोगों के घर नरसी जी गए, एक एक से पूछा, भाई साहब आपके पास कोई गाड़ी है? भाई जी थारकने कोई बैल या घोड़ा घोड़ी है तो दे दो, कोई घोड़ा गाड़ी है तो दे दो, एक एक से पूछने लगे। सबने मना कर दिया, एक तो तरस आ गया, टूटी हुई बैलगाड़ी पड़ी थी घर में, बोले ले जाओ थारा काम की है, तुम्हारा तो काम की को नहीं।
दूसरे के पास गए तो उन्होंने दो बैल दे दिए, बूढ़े इतने बूढ़े बैल के बैठ जाएं तो खड़े ना हो और खड़े हो जाएं तो बैठे ना। नरसी जी उनको ले गए अपनी कुटिया में, जैसे तैसे करके गाड़ी को जोड़ा, बैलों को गाड़ी में जोता और झोपड़ी में जितने ताम तमीरे ये जांज मंजीरे जितने से सारे साधुओं को बोले सब रख लो। तू सारे बोले इनका क्या करोगे, बोले चोरी हो गई तो बोले इनका कोई क्या करेगा ताम तमीरों का, बोले तो चलो कोई बात नहीं अपने रास्ते में भजन करने के तो काम आएंगे। अब नरसी जी और सारा साधु गाड़ी में बैठ गया, जितने भी साधु थे सब गाड़ी में बैठ गया नरसी जी के साथ। नरसी जी गाड़ी चला रहे हैं, हमारी गाड़ी हाथों जी महाराज कैसे 16 साधु बैठे हैं, सारे बैठ जाओ, सारे गाड़ी में बैठे हैं। बैल बेचारा उठे फिर बैठ जाए, फिर उठे फिर बैठ जाए। अब चल रही है गाड़ी, रात हो गई है भजन करते हुए। मारी गाड़ी चलाओ
तो मैं अगर आपकी गाड़ी ठीक कर दो तो मुझे बिठा लोगे? नरसिंह जी बोले तुमको गाड़ी ठीक करनी आती है? हम बोले हाँ आती है ना। अब भगवान ने क्या किया, हाथ ऊपर किया हथौड़ी आ गई हाथ में, दूसरा हाथ ऊपर किया कीले आ गई। अब बैठ करके और कील ठोक ठोक करके और गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। आप लोग दोनों हाथ उठाइए जरा साली की सेवा। एक दो तीन जय हो। गाड़ी ठीक कर दी और बैलों के ऊपर हाथ फिराया, बैल तो भर भरा के खड़े हो गए और नाचने लगे बैल। अब नरसिंह जी कहने लगे भाई तूने गाड़ी कैसे ठीक करी? बाबा को कहने लगे कि बाबा तुम आराम करो, मैं अंजार पहुंचा दूंगा तुम्हें, तुम सो जाओ। नरसिंह जी और सारे साधु गाड़ी में बैठ करके सो गए। गाड़ी तो ऐसे चली आई है जी हाँ हवाई जहाज है ना, जैसे भगवान उड़ा के ले गए। सुबह हुई तो नरसिंह जी की आंख खुली, भगवान कहने लगे बाबा थारे गांव आ गए उठ जाओ। बोले तू कौन ही चल है? बोले मैं आऊंगा, मैं सुनी है ये नगर में आज बहुत बड़ो बात भरो जाए वो, तो मैं वो बात देखने जरूर आऊंगा, अभी मैंने कोई काम है, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। ये कहकर के ठाकुर जी चले गए और नरसिंह जी अपनी गाड़ी के साथ में नानी बाई के घर गए। नानी बाई ने जैसे ही दूर से देखा अपने पिता को आते हुए, गाड़ी आ रही है उस पर नरसिंह जी बैठे हुए हैं, गाड़ी पे से उतर के नरसिंह जी भागे, इधर नानी बाई भागी, अपने पिता के गले लग करके खूब रोई। पिताजी थे मैंने मरी समझ ली, 20 साल हो गया आया कौन मैंने देखी, थे बेटी ने भूल गया। मैं तो आस ही छोड़ दी थी थारी कितने आऊंगा पिताजी, मारी सासू जी इसे चिट्ठी भिजवाई कोई पूरा को नहीं कर सके। नरसिंह जी बोले भाई भगवान पर भरोसा राख, जो चीटी ने कण और हाथी ने मन, जो सारी दुनिया को पेट भरे वो तेरे पास भी भरेगा। नानी बाई अपनी सास के पास गई, मेरे पिताजी आए हैं। सास बोली तो मैं क्या करूं, कौन सा कोई लाट साहब आया, कोई राजा महाराजा आया के, मैं क्या करूं, तो इनको कहां रुकवाना है? बोले ले जाओ बैल का बाड़ा में बैठा रुकवाए दे।
नानी भाई रोने लगी कोई साफ सुथरी जगह पर रुको दो। हाँ वो तो मेला में रहे अठे साफ सुथरी जगह पर रहो वो मोगियो जन मेला से आयो बैठा दे बड़े। नानी भाई ने अपने पिता को कहा पिताजी चलिए पिताजी के पास बैठ करके नानी भाई कहने लगे आप कुछ भी नहीं लाए खाली हाथ आ गए कुछ तो ले आते जो मैं दिखा देती माँ को कि मेरे बाप के पास और कुछ नहीं था बस यही था। बोले बेटी मेरे घर कुछ को नहीं जो करोगे सब ठाकुर करोगे वो आओ वो रुक्मणी जी के संग में बात ले करके वही बात भरवाना आओगे भर तो चल देख ठाकुर आता ही होगा। नानी भाई अपने घर पहुंची सासू माँ से पूछा कोई आया है बोली अठे तो कोई ना आया। नानी भाई वहां से दौड़ी कि आज तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। गांव के बाहर एक सरोवर था उस सरोवर के ऊपर नानी भाई जाकर के खड़ी हो गई। बात की तैयारी कर लो भैया उस तरफ से आ जाओ। नानी भाई रोने लगी सरोवर के किनारे खड़ी होकर के सोचने लगी कूद जाऊंगी तो मेरे बाप के नाम को कलंक लगेगा और बिना भात लिए जाऊंगी तो भी मेरे बाप को कलंक लगेगा। सारी उम्र सासू जी के ताने सुनती आई हूं अब और सुनना पड़ेगा मुझसे नहीं सहा जाता। सरवरी है रहती रे खड़िया नानी नीर बहा में नानी नीर बहा में या रानी नीर बहा राधा रानी को आगे करो। हाँ उधर से घूम के आ जाओ इस तरफ से घूम के आओ भैया या तो इधर से घूम के आओ। हाँ इधर से बाबा इस तरफ से घूम के आ जाओ इधर से ऐसे घूम के आ जाओ मेरी माता है मैंने थोड़ी सी जगह बना दो। सजमरी है रे तीर खड़िया नानी नीर बहावे या नानी नीर बहावे या नानी नीर बहावे नासा जाए भाई बिना उन भात भरने आवे कोई भात भरने आवे कोई भात भरने आवे जिन भारो भोड़ो बाबुल अरबपति कहलायो थो अरबपति कहलायो Yeah.
पहाड़िया है, ढेर के ढेर ढूंढर का ढूंढर आ रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इधर नाने भाई रो रहे हैं, तेरे भरोसे सेठ सामना मोड़ो बाबुल आयो है, बोलो बाबुल आयो है, बोलो बाबुल आयो है, चंदर और पूरा साधु ने समझायो है, साधु ने समझायो है, साधु ने समझायो है, आनी नीर महावे, 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 अभी नानी भाई उस सरोवर से कूदने ही वाली थी, इतनी देर में एक तोते ने कहा, हे नानी पीछे मुड़के तो देख, जरा चढ़ के उस टीले में देख। नानी ने कहा, क्या देखना रह गया है, इतना अपमान होने के बाद अब जीने का मन नहीं है। अरे बोले, देख तो सही, तोता बोल रहा है। नारद जी तोते के रूप में आए हैं, बोले टीले पर चढ़ के देख, टीले पर चढ़ के देखती है तो क्या देखती है नानी भाई, कि सारा जो पीछे पीछे न जाने कितनी गाड़ियां आ रही हैं, भाई भगवान के चरणों में गिर पड़ी है जाकर के, तुम्हारी दया की नजर हो रही, तुम्हारी दया की नजर हो रही, दास में तुम्हारी नजर हो रही, तुम्हारी दया की नजर हो रही, को चुनरी उड़ाई सावल शाह, उड़ाई एक नानी भाई को उड़ा दीजिएगा, एक व्यास पीठ हो गई, दोनों जगह उड़ाई शिवाजी, और ऐसा भात भरा ठाकुर ने, ऐसा भात भरा ठाकुर ने कि नानी बाई की सांस की आंखें खुल गई, देखती रह गई, ऐसा भात भरा मेरे ठाकुर ने। अब तो सब लोग एक एक गांव के एक एक व्यक्ति को बुला बुला करके टीका लगा लगा करके सोने की गिन्नी दी मेरे ठाकुर ने, ऐसा भात भरा, ऐसा भात भरा भूतों ना भविष्यति,
न किसी ने आज तक ऐसा भात भरा, न उससे पहले भरा गया ऐसा भात भरा मेरे ठाकुर ने। और सारे भगत जो नाचे, जो झूमे, जो घूमे, आओ भैया जरा झूम के बाकी बिहारी की तेज चटा, बिहारी की तेज।